देखिए, सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में लोगों को मास्क भी बांटे, उनसे बात की इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित ने। दिल्ली के डिप्टी सीएम अपने इलाके में जाकर मास्क बांट रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। ये इसलिए करना पड़ रहा है कि दिल्ली में संक्रमण लगातार फैल रहा है, कोरोना का खतरा लगातार फैल रहा है और ये ज्यादा उन इलाकों में देखने को मिल रहा है जिन इलाकों में ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो मनीष सिसोदिया वेस्ट विनोद नगर पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा भी है जो मास्क नहीं लगाते हैं और यही वजह देखी गई है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस ने भी बहुत सारे लोगों के चालान किए हैं। मनीष जी, बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की अब भी बाजारों में जो मास्क नहीं पहनते? नहीं, मिल जाते हैं लोग। और वैसे तो अच्छी बात यह है कि मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि सब लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, पर फिर भी कहीं कोई मिलता है तो उसको मास्क दे देते हैं। हमारी टीम्स पूरी तरह से पूरे कैंपेन में लगी हुई है। आज अलग अलग वार्ड्स में हमारे विधानसभा में कार्यकर्ता हैं, गीता जी लगी हुई हैं, सब लोग मास्क लगा के जा रहे हैं। मनीष जी, दिल्ली पुलिस का आंकड़ा खुद बताता है कि 5 लाख के आसपास उन्होंने चालान किए हैं मास्क ना पहनने पर या अपनी जिम्मेदारी ना निभाने पर। तो कोरोना बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी एक वजह ही रही है, इसीलिए हम सबको कह रहे हैं कि मास्क लगा के निकले, कोई भी बिना मास्क लगाए ना निकले। और ये जो कैंपेनिंग है इसका मकसद भी यही है। आपकी पार्टी और बड़े लेवल पे कैंपेन करेगी? नहीं, आज पूरे दिल्ली में कर रहे हैं, अलग अलग विधायक में कर रहे हैं, अलग अलग पार्षद कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता अलग अलग वार्ड्स में कर रहे हैं। तो मकसद इसका यही है कि जो लोग मास्क लगा के नहीं निकले हैं घर से उनके हाथ में मास्क मिल जाए, लेकिन साथ साथ वो अवेयर भी हैं। मनीष जी, दुख भी होता है क्या कि दिल्ली के लोग अपनी जिम्मेदारी ना समझे? तो दुख भी होता है? नहीं, समझ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ लापरवाही करते हैं। अब जो लापरवाही करते हैं उनसे अलग अलग तरीके से चालान से लेके उनको हाथ जोड़ के मास्क देके हर तरह से उनको डील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। मनीष सिसोदिया हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि क्या वजह है जो उन्हें सड़क पर उतरकर मास्क बांटने पड़े, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसका आंकड़ा आप समझ लीजिए कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हर दिन कोरोना की वजह से हो रही है। 6,500 से 6,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हर दिन संक्रमित हो रहे हैं, यानी कि आंकड़ा बढ़ रहा है उनकी वजह से। तो ये तमाम आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली इस समय सबसे ज्यादा चपेट में है। कोरोना की टेस्ट बढ़ाए गए हैं, सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि डोर टू डोर जाकर सर्वे कराएं ताकि उन लोगों को ट्रैक किया जा सके जो संक्रमित हैं। उसका फायदा ये होगा कि आगे संक्रमण ना फैले, लेकिन लोगों की लापरवाही की भी तस्वीरें हैं जहां लोग मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसी तस्वीरें भी दिल्ली के अंदर खूब देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि अब क्योंकि यहाँ डिप्टी सीएम पहुंचे हैं तो आपको तमाम लोग मास्क के साथ नजर आ जाएंगे, लेकिन मैं